नमस्कार, मैं दीपांजलि मोइत्रा। अगर आप किसी मॉल में, किसी मार्ट में या फिर किसी शोरूम में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो आपको सामान के लिए कैरी बैग का ऑफर दिया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको सामान रखने के लिए कैरी बैग चाहिए। अगर आप हाँ कहते हैं तो आपसे इस कैरी बैग के लिए अलग से चार्ज लिया जाता है। 14 से 15 रुपए आपको इस कैरी बैग के देने पड़ते हैं। कुछ लोग तो चुपचाप ये नुकसान झेल लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये बात बड़ी नागवार गुजरती और वो इस पर सवाल उठा देते हैं, जैसा कि हाल ही में पवन कुमार नाम के शख्स ने किया। हुआ ये कि पवन ने रेवाड़ी के ब्रास मार्केट स्थित विशाल मेगा मार्ट से 14 मई 2019 को 812 रुपए का सामान खरीदा था। सामान ले जाने के लिए जब पवन ने कैरी बैग मांगा तो मार्ट कर्मचारियों ने बैग तो थमाया लेकिन साथ में 14 रुपए भी मांगे। पवन को ये देख बहुत गुस्सा आया और वो सीधे पहुंच गए जिला उपभोक्ता फोरम। पवन का ये कदम मार्ट को काफी भारी पड़ गया और मेगा मार्ट पर लग गया 20,000 का जुर्माना। साथ ही अलग से 11,000 रुपए वार्ड खर्च देने के आदेश भी जारी कर दिए गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैरी बैग को लेकर नियम क्या है? क्या इसके पैसे ग्राहकों से वसूलना गलत है? अगर गलत है तो फिर ये दुकानदार क्यों इसके लिए पैसा वसूलते हैं? दरअसल कैरी बैग के लिए पैसे लेने की शुरुआत साल 2011 में हुई थी। प्लास्टिक बैग्स के लिए ये नियम बनाया गया था। इसके पीछे सरकार का मकसद था कि लोग पैसे ना देने के चक्कर में कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे और धीरे धीरे प्लास्टिक पॉलिथीन का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा। लेकिन दुकानदारों ने अपनी सांठ गांठ से ये नियम कागज और कपड़े के बैग पर भी लागू करना शुरू कर दिया, जिसे आम आदमी अनजान है। अब या तो वो बैग ले लेता है या फिर हाथ में सारा सामान लेकर वापस आ जाता है। बताया जाता है कि साल 2016 में एक और नियम आया जिसमें ये तय हुआ कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रिटेलर से पैसे रजिस्ट्रेशन के समय ही ले लिए जाएंगे। बाद में इस नियम को भी बदल दिया गया, यानी अब दुकानदार प्लास्टिक वाले बैग के लिए भी ग्राहकों से पैसे नहीं ले सकते। लेकिन देखिए, अभी भी आपसे दुकानदार इसके पैसे लेते हैं। वो एक बैग जिसकी कीमत मुश्किल से 3 रुपए भी नहीं होती होगी, वही आपको 14 से 16 रुपए में दिया जाता है। सोचिए, कंपनी अगर एक दिन में 100 बैग भी बेच लेती होगी तो कितने पैसे बना लेती होगी। अगली बार अगर आपसे कोई दुकानदार कागज, प्लास्टिक या फिर कपड़े के बैग के बदले पैसे मांगे तो आप उसे नियम बताकर पैसे लेने से रोक सकते हैं। फिर भी ना माने तो आप उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। नियम कहता है कि कस्टमर अगर सामान ले जाने में सक्षम नहीं है तो फिर दुकानदार को हर हालत में कैरी बैग देना ही होगा, और वो भी फ्री में। तो अगली बार आप सतर्क रहिएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं।